وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الحمد لله رب العالمين वसलात वसलाम अलाशरफिलम्बिया इबलमरसरन वाला व अहबी उमन तबियाम बहसानिन इलामद्दीन अम्माबाग अल्लाह ताली का शिक्र औरसान है कि हम लोग मनहज सही आकदे के इस दर्स में शामिल हैं और हकीकत में ये उन सवालों का जवाब है जो, जो शेख फौज़ान हफिजुल्लाह से दुरुस्त किए गए तो शेख ने सवालों का क्या जवाब दिया इसी को हम पढ़ रहे हैं इससे बेहतर के आदमी अपने तौर से कोई बात कहे अपनी तरफ से कहे कि बार उलमा की बातें अगर हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है तो एक ऐसी जमात जो लोगों के दरमियान तबरीग़ के नाम से काम करती है तो बतौर मिसाल अक्सर वो जमात के अहबाब जमात के लोग कहते हैं कि हम अहल वल जमाअ के मनहज पर चलना चाहते हैं जमात के लोगों का ये कहना है लेकिन बाज़ लोग बाज़ लोगों से बसा अवात कुछ ग़लती हो जाती है पूरे लोग अगर सही हैं या कुछ लोगों से कुछ बातें हो जाती हैं तो आखिर तुम हम पर हुक्म क्यों लगाते हो दूसरे लोगों से वो कहते हैं कि तुम हम पर हुक्म क्यों लगाते हो हमसे लोगों को डराते क्यों हो इनके साथ मत जाओ इनके साथ शामिल मत हो इनके साथ काम न करो ऐसी बातें तुम क्यों कहते हो एक सवाल उन लोगों से था लोगों ने अपने बारे में बात कही तो इसी का जिक्र करते हुए कहते हैं शेख रहम शेख हफीज शेख फौज़ान हफीज ने उसका जवाब दिया कि ये जो जमात है जो तबलीग करती है इस जमात के बारे में बहुत सारे उन लोगों ने लिखा है जो इस जमात के साथ काम कर चुके हैं इस जमात के साथ गए हैं घूमे हैं काम किए हैं और उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है एक आदमी दूर से देखे एक आदमी अंदर उनके साथ काम करे तो दोनों में फ़र्क होता है उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो जो ग़लतियाँ उनसे होती हैं उन ग़लतियों को उन्होंने फ़ाइंड आउट किया निशानदही की तो शेख फौज़ान हफिजुल्ला कहते हैं आप पर ज़रूरी है कि आप उन किताबों को पढ़ें किस किताबों को उन लोगों की लिखी हुई किताबों को जिन्होंने इस जमात के साथ काम किया और फिर बाहर निकल आए उन्होंने बहुत सारी बातें इस जमात के ताल्लुक़ से लिखीं तो अगर आप सही रास्ता चाहते हैं हकीकत जानना चाहते हैं तो उन किताबों को पढ़ें ताकि वाज़ हो सके कि इस बारे में हुक्म क्या है कैसे उनके साथ क्या हालात उनके हैं जिन लोगों ने इस फिर फिरके के बारे में इस फिरके के बारे में किताबें लिखी तो हम शुरू से उसी पर हैं कि दो बातें शेख ने शुरू में कहा था कि जमात किसे कहते हैं फ़िर किसे कहते हैं समझ में आया शेख हम शुरू से इसी बात पर हैं कि जमात का लफ्ज़ किस पर बोला जाता है और फिर किसे बोला जाता है तो तो इस सिलसिले में कहते हैं जिन लोगों ने किताबें लिखी उन लोगों में शेख साद बिन अब्दुलरहमान हसैन हफीजल्ला हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी हक़ीक़त दावा व मख्त बिही जज़ीरातुलब व तकवी में मनाहिज दावात इस्लामी अलवाफिद दावत और जजेर अरब की खसूसियत की हकीक़त और बाहर से जो इस्लामी दावतें आईं उनके मनाहिज का जायज़ा एक वो मनहज है जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अब्दुलवाहाबर रहा का जजेर अरब से शुरू हुआ उसके अलावा बाहर से हिन्दो पाक से बहुत सारे तरीके दावत के वहाँ पहुँचे जजीर अरब में तो इन दोनों का फ़र्क़ क्या है इन दोनों में क्या बातें पाई जाती है? इसका जायज़ा उन्होंने लिया अपनी किताब में और किताब का नाम था हकीकत व मख्सदी ही जज़ीतुलरब व तकवी العرب मना مناهج الدعوات इस्लामामी अलवाफिदा तो इस सिलसिले में आ, इस किताब के सफ़ा नंबर सत्तर के पहले एडिशन में वो लिखते हैं कि इस जमात के यहाँ क़लिमे ला इल्लल्लाह का मकसूद यानी सबसे पहले इस जमात ये जमात क़लिमे ला इल्लल्लाह का मकसद क्या समझती है उसमें बताया कि चीज़ों के, के सिलसिले में दिलो दिल से फ़ासिद यक़ीन को निकाल कर दिल से फ़ासिद यक़ीन को निकाल कर अल्लाह की ज़ात पर सही यकीन दाखिल किया जाए तो ये इस तरह का तस्वुर है जो रुबूबीत को साबित करता है को इस तौर से कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक नहीं अल्लाह के सिवा कोई रोदी देने वाला नहीं अल्लाह ताला के सिवा कोई मुदब्बिर कायनात को चलाने वाला नहीं प्लानर नहीं तो ये वो बातें हैं जिसको उस ज़माने में मक्के के लोग क्रैश भी मानते थे कुरैश भी मानते थे कि अल्लाह कुरान अल्ला, ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाए कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक है वो कहेंगे कि नहीं आ, रब है कहेंगे कि नहीं मसला कहाँ पैदा हुआ मसला उलूहियत के अंदर पैदा हुआ कि सारी इबादतों को अल्लाह ताला के लिए खालिस की जाए अगर इसी बात को आप रखते हैं तो फिर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है इसमें तोहीद रबूबीत से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसका ये करार नबी अकरम सल्ला वसल्लम के ज़माने में ने मक्का भी किया करते थे लेकिन इस करार ने उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया इसी तरह सफ़ा नंबर सत्तर ही में ये अपनी किताब लिखते हुए कहते हैं कि ये जमा ये 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 फ़िरका उसका अकीद ये है कि वो फ़ी मसलक में यानी फिकी मसलक फिकी मसलक कहते हैं कि आप रोज़े कैसे रखें आप नमाज कैसे पढ़ें ये फ़े मसालिक हैं नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा अलग है कुछ लोग अलग तरीके पर पढ़ते हैं सल्लु कमाराई तमूनी उसली और कुछ लोग अलग तरीक़े पर पढ़ते हैं तो फिकी मसालिक में ये लोग अहनाफ हैं यानी फ़िके हनफिया की पैरवी करते हैं सारे मसाइल में रोज़े में नमाज़ में बोलते हैं कि हम हनफी हैं और अदे में अशारी मसलक के पाबंद हैं अशारी कौन हैं तो मैं सारे लोगों से कहूँगा कि इसके बाद इन्होंने जो भी यहाँ फ़ुटनोट लिखा है और हाशिया लिखा है उस सारे हाशिए में मुख्तलिफ किस्म की जमातों को इन्होंने बयान किया है जब तक इन जमातों के आकाई, उनके अकद उनके फ़िरक़ों के अक़ाद के बारे में आप अच्छी तरह ध्यान नहीं देंगे आपको आज के जो फिरके हैं उसके बारे में समझ में नहीं आएगा और याद रखें कि कियामत तक जो भी फ़िरक़े पैदा होंगे उनकी उनके ताने बाने इन्हीं से मिलते हैं समझ में आया ये जो मद ये सब इनकी असल हैं इन्हीं ग्रुपों के छोड़े हुए बाक़ियात गलत ख्यालात को अब के लेटेस्ट फ़िरक़ों ने अपनाया है ये नए से क्या भी नहीं आए ये उन्हीं लोगों की किताबें पढ़ते हैं तो आप लोगों को इन फ़िरक़ों इन जमातों गुमराह बातिल फ़िरक़ों के बारे में मालूम होना चाहिए जो इन्होंने लिखा है एक चीज़ इन्होंने लिखा अकीदे में अशारी अशायरा कौन है फ़िर अशारिया फ़िर के मान ये है ग्रुप है ये जो अशारिया हैं ये सफ़ात इलाही के मुनकिर अल्लाह ताला के जो सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की पिंडली है अल्लाह का हाथ है अल्लाह सिफात ज़ातिया हो या दूसरे सिफात हो, इन तमाम सिफात का इन्होंने इनकार कर दिया बुला कि नहीं हम नहीं मानेंगे जैसे मतजजरा ने इनकार किया, तो अकीदे के बाब में ये एक अकल परस्त अकल परस्त का मतलब है कि अक़ीदे में ये लोग अकल में जो बात आई वो मानेंगे अकल में नहीं आई तो नहीं मानेंगे बिदाती कलामी गुमराह फ़िरका है कौन सा फ़िरका है किसका अशायरा, अशायरा का फ़िरका ये मतजजिला से लिखा हुआ है मैं कुछ बातें इस बारे में फ़र्स्ट आप पहली चीज़ आप क्या याद रखेंगे फ़िरका अशायरा।, अशायरा। अच्छा इसके फाउंडर कौन हैं अबुल हसन अशारी उनका नाम क्या है अबुल हसन अल अशारी ये अकीदा मेन इसका ये क्या है ये अल्लाह की सिफात के मुनकिर हैं अल्लाह की सिफात को ये लोग क्या नहीं करते हैं मानते नहीं ये तीन चार बातें आप याद रख लें सारी बातें याद रखना आपके लिए मुश्किल है तो कम अज़ कम क्या करें सर कोई भी पूछे अक... अशा का अकीदा क्या है तो आप अकीदा का उस, उस फ़िरके का जोस है फाउंडर है उनक... उनका नाम आप याद याद रखेंगे अबसन अशारी और उनके जो अहम अक़ायद हैं उसमें से वो अल्लाह ताला की सिफात के मुनकिर हैं और ये मतजजिला की पैरवी करते हैं और इनके बारे में आता है इमाम अबुल हसन अशारी रहमहुल्लाह कौन है ये इस फ़िरके के मौसस और फाउंडर कौन हैं इमाम अबुल हसन अशारी रहमहुल्लाह जिनकी वफ़ात कब हुई है तीन सौ चौबीस सन में अल्ला अभी तो क्या चौदह सौ पैंतालीस चल रहा नहीं तो वो कितना है तीन सौ उतने कम मद्दत में ही लोगों के ख्यालात और अकायद और मनहज क्या हो गए थे बिगड़ गए थे तीन सौ साढ़े तीन सौ साल ही में क्या हो गया था अभी तो हम लोग बहुत दूर हैं बहुत दूर आ गए हैं वहाँ साढ़े तीन सौ साल में हालत ऐसे से ऐसे हो गई थी अबुल हसन अशारी पहले पहलेतजिला थे पहले क्या हुए वो मतजजिला के साथ मिले मतजजिलातजिला कौन है मतजजिला का अदा क्या है कोई बता सकेंगे शुएब आप बता सकें असमा सिफात के मुनकिर हैं अल्लाह के दीदार को भी वो लोग नहीं मानते हैं गुनाह कबीरा को हमेशा जहन्नमी मानते हैं ऐसे तो पहले हसन अशारी रहम्ला अपने आप को मतजली समझते थे उनके साथ रखते थे जब बाद में उनको मालूम हुआ कि मैं ग़लती पर हूँ मतजजिला गलत हैं तो उन्होंने उनको छोड़ कर क्या किया अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्ला की फ़िर कुल्लाबिया में शामिल हो गए एक अलग और एक ग्रुप था उसके साथ चले गए उसका नाम था कल्ला वो फ़िरका कैसा था ये फ़िर अल्लाह की सिर्फ़ सात सिफात को साबित करता था अल्लाह ताला की जो जमी सिफात हैं उन सिफात में से सिर्फ सात को लोग मानते थे क्या क्या अल्लाह ताला के लिए इल्म को साबित करते थे इल्म को साबित करने का मतलब क्या है इल्म अल्लाह ताला जानने वाला है अल्लाह ताला का इल्म अजली है ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई कोई काम करता है तभी तो अल्लाह को मालूम होता है ऐसा क्या अल्लाह ताला का इल्म अजली है अल्लाह ताला को मालूम है कि क्या करने जा रहा है तो एक वो इल्म को मानते थे दूसरा कुदरत ये भी अल्लाह ताला की सिफत है वो मानते हैं इरादा इरादा ये भी अल्लाह ताला की सिफत है मानते हैं सम अल्लाह ताला सुनते हैं मानते हैं बस देखते हैं कलाम नफसी और हयात जिंदगी इसी को मानते हैं तो यही सात सिफात को लोग मानते थे बखिया सिफात का क्या करते हैं इनकार कर देते हैं बखिया तमाम सिफात का इनकार करते हैं <coughs> उनका दावा यह है कि अच्छा हम उसे पूछते हैं कि भाई इन सात ही सिफात को आप क्यों मानते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे अकल में यही सात सिफात आते हैं आज भी अकल के रास्ते पर चलने वाले बहुत हैं मालूम बहुत सारे लोग हैं जो अक़ल के मुताबिक दीन को समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद अल्लाह ताला ने अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाह को तौफीक बख्शी अल्लाह ताला ने उनको तौफीक बख्शा तो जिसके नतीजे में उन्होंने तौबा करके कुलाबियत वो जो वो वो फ़िरक़ा जो जिस पर ये मंसूब जिसके साथ ये थे फ़िर कुलाबिया उससे भी वो निकल गए निकल कर सुन्ना वल वालजमा में शामिल हो गए तो आप समझ में आएंगे इनकी ज़िंदगी अबुल हसन अल शारी रहा पहले ख़ुद उन्होंने सिफात का इनकार किया मतज़िला के साथ हुए जब मतजिला की खराबी उनका आयब उनकी गलत बातें नज़र आईं तो फिर क्या किए ग्लाबिया के साथ गए फिर देखा कि वो सिर्फ़ साथी को मानते हैं बात ये भी गलत है तो वहाँ से वहाँ से उस फिरक़े को छोड़कर कर हल सुन्ना वाल जमा चले गए लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ अच्छी तरह सुने जब एक आदमी किसी आ, कोई एक ग्रुप बनाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं नहीं? उनके मुरीद बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो अब उनको गलती नजर आई ये तोबा करके उससे निकले लेकिन जो इनके मुरीद थे वो क्या हो गए नहीं निकले ये खुद बच गए लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे वो क्या हो गए उसी में रह गए देखा कितना नुकसान हो गया तो ये खुद अपने आप को इन्होंने बदल लिया अल्लाह ताला ने हिदायत दी अहसन्ना जमा में शामिल हो गए लेकिन इनके मुरीद जो थे उसी बात को इन्होंने नक़ल किया बाद में अल्लाह ताला ने अबुल हसन अशारी रहा को तौफीक बख्शी जिसके नतीजे में उन्होंने कुल्लाबियत से ताइब होकर वल जमा और इमाम अहमद अहमदनोह हम्बल इमाम अहमद अहमदबन हम्बल रहमतुल्लाह के मौक़ को तस्लिम करते हुए तमाम सिफ़ात इलाही को साबित किया और इस ये चुनाचे अपने मसल के शलफ़ की वजाहत करते हुए अपनी किताब अपनी उनकी किताब अल इबाना अन उसदीन उस किताब में वो फरमाते हैं देखिए वो किताब में क्या कहते हैं क़लदीन अकूल गुलु बे و ديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم हमारा मोकफ मोकफ के माने हमारा स्टैंड हमारा जो स्टैंड है और हमारा दीन जिस पर हम चल रहे हैं वो हमारे रब की किताब हमारे रसूल صلى الله عليه وسلم की सुन्नत है और सहाबा और ताबईन और अइम हदीस की मरवियात और फरमोदा का तमसुक है हमेशा याद रखें हमारा भी यही मौक़ है हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की किताब हम इस पर मजबूती से कायम हैं और वही बात कहते हैं जो इमाम अहमद अहमदन कहते हैं इन बातों इन बातों की जो भी ख़िलाफ़ करेंगे हम मुखालिफ हैं लेकिन क्या हुआ इनके जो मानने वाले थे किसके अबूसन अलशारी रहम्ला के जो मानने वाले थे वो बदस्तूर कुल्लाबी क़ायम रहे वो जो उसमें थे और इमाम अबुल हसन अलशारी के पहले मदहब की तरफ नस्बत करते हुए अशारी कहलाए हालांकि इमाम हसन उसमें नहीं है वो तो बाहर आ गए हैं लेकिन जो ग्रुप जो धड़ बन गया था वो अशारी कहलाया और ऐसा ग्रुप है जिसमें फाउंडर नहीं है उन्होंने क्या कर लिया है अपना रास्ता बदल लिया इस फ़िरक़े के जो चंद बातिल अकाद व नजरियात हैं ठीक है ये जो फ़िरका है फ़िरक़ इस फिरका या बे तो अब तो अब तो फिरके कलाबिया के नाम से नहीं था वो वो अबुल हसन अशरी निकल गए थे लेकिन फिर भी वो किस नाम से था अश, अशायरा के नाम से था उनके चंद नजरियात हैं उसमें क्या हैं किताब सुन्नत को इल्म कलाम के उसूलों पर परखना अल्लाह की किताब की आयत आएगी हदीत आएगी इल्म कलाम जो बहस व जिताल का जो इल्म है उस पर वो परखेंगे चुनाचे तारस की सूरत में अक़ल को किताब सुन्नत पर मुक़दम करना अगर कुरान की आयत और हदीत अक़ल के ख़िलाफ़ जाती है तो क्या करेंगे अक़ल को पहले रखेंगे हदीत को क्या करेंगे बाद में लाएंगे अच्छा अकीदे के बाब में अहाद अहा से अहाद को कबूल नहीं करना कोई अकीदे की बात है हदीस से आती है उस सिलसिले में वो नहीं मानेंगे एक सहाबी अगर उस हदीस को रिवायत करते हैं को नहीं मानेंगे उस हदीस को बहुत सारे सहाबा रिवायत करेंगे इसीलिए मानेंगे इसलिए कि वो अकीदे की बात है तो अकीदे के बाब में आहाद अहादीतों को लोग क्या नहीं करते हैं नहीं मानते इसी तरह दीन के मसाइल में कश्फ दीन के मसाइल में कश्फ कराम और रोक व विजदान को नस पर तरजीह देना ये लोग ये क्या करते हैं अख़ीदे का मामला है नस का मामला है तो ये सूफ़ी जो होते हैं सूफ़ी क्या करते हैं उनके पास एक टाइप है कैसे कश्फ बहुत सारी चीज़ों का ये सूफियों को मालूम हो जाता है करामात करामात हम भी मानते हैं लेकिन करामात ऐसे लोगों से होते हैं जो साले हो नेक हो ऐसे लोगों से करामात हो सकते हैं और जौक और विजदान यानी कुछ ऐसे आदमी जैसे हमने YouTube में कभी आपने देखा होगा कि आके हाथ मिलाएगा मुसाफ़ा करेगा ऐसे नाचेगा कूदेगा ये सब साहबाई कराम से नहीं था साहब कराम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी वो अल्लाह की किताब सुनकर डरते थे तो कहते हैं ये सारी चीज़ों को वो लोग कुरान और औरदीस पर तरजीह देते हैं कशफ और करामात को कुरान और हदीस पर तरजीह देते हैं और वो लोग इन तमाम बातों को इल्मनी इल लदुन्नी कहा कि इसका हम लोग डायरेक्ट अल्लाह से इल्मिल करते हैं तो ये लोग कहते हैं के दरमियान में अल्लाह के रसूल की भी ज़रूरत नहीं है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट कहाँ से है अल्लाह से है और उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है वो पीर साहब से ऐसे गले मिलाएंगे तो वो इल्म सीना बसीना क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका इल्म क्या हो जाएगा अब ऐसा बैठ के पढ़ना मदरसे जा के पढ़ना क्या ज़रूरत नहीं वो हार्ट क्या हो जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बोला कि ऐसी बातें हैं इस तरह उन्होंने अकीदे के उसूलों को तीन हिस्सों में बांट रखा है उसका जवाब उन्होंने यहाँ दिया तो उसके बाद वो कहते हैं अल्लाह ताला की खबरी सिफात जैसे अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं अल्लाह ताला की खबरी सिफात है कि अल्लाह ताला का चेहरा है नहीं कुरान में है कुरान में है अल्लाह ताला का चेहरा है और अल्लाह ताला का हाथ है क़ुरान में अल्लाह ताला की आँख हैं अल्लाह ताला दाया हाथ पैर उंगलियाँ और उल्व, और अल्लाह ताला ऊपर है अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है ये सारी चीज़ों की ये लोग तावील कर देते हैं माने से क्या करेंगे इसे बदल देंगे जहाँ अल्लाह ताला का हाथ की बात आएगी हाथ नहीं बोलेंगे अल्लाह की कुदरत क्या बोलेंगे कुदरत यानी अल्लाह ताला की हर चीज़ को क्या करेंगे उसको बदल देंगे हम लोग नहीं बदलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि है लेकिन कैसा है हमको नहीं मालूम कमायली को बिजला ही व कमा अल्लाह ताला जैसे उसके लायक है उसे नहीं मालूम हम उसकी तावील या तफवी नहीं करेंगे ऐसे सारे अच्छा जबकि उसके बाद उन्होंने ये किस फ़िरक़े के बारे में बोल रहे हैं कौन से फ़िरके के बारे में बोल रहे हैं तो अशायरा, अशायरा के अशायरा के बारे में बोल रहे हैं अच्छी तरह याद रखें इसको इसलिए कि कभी आप किसी के सामने बोलेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बात पलट जाए <laughs> अच्छा याद रखें इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए मालूम बिल्कुल सही होनी चाहिए जितना किसी के ताल्लुक से सुने उतना ही बोले जैसे मालूम है वैसे ही बोलें लोग बोलते हैं क्यों हम अल्लाह की दीन की तबलीग ना करें अल्लाह के रसूल सा फरमाया कि बल्ली गनी वलो आया आँ ये एक बात भी तुम ना मालूम है तो लोगों को पहुंचाओ तो ये एक बात ही पहुंचाना सुनो हम ना एक बात मालूम है लेकिन हम सौ बातें बताना चाहते हैं ये गलत है तुम्हें कितनी बातें बोलना है एक ही बात बोलना है जो आपको मालूम है जो नहीं मालूम है उलमा की तरफ आप क्या करना है रिफर कर देना है आलिमों को आप हवाले कर देना है उसके बाद कितना टाइम है पांच मिनट ठीक है इसी पर बस करते हैं आप इस आज की इस बात को दिमाग में रखें तो आज आपने क्या पढ़ा एक अशायरा के बारे में पढ़ा तो ये जो जमात है जमात तबलीग जिसके बारे में हमने सुना कि वो जमात अक़ीदे में उनके साथ चलती थी फिक में फ़िकेनफी परमल कर दी थी और हमने अशायरा अशायरा के जो हसन अशारी रिमल्ला तो उनकी वफ़ात कब हुई तीन सौ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स न थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स तीन सौ तीन सौ चौबीस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फ़ोर तो बिल्कुल एयरलियर अल्लाह के वसल्लम के ज़माने के बाद 324 इयर्स ये था तो बाद में उन्होंने तोबा किया उनकी बशहूर किताब अबाना अन उसदियाना ये किताब है, है? इनशाला कल के दर्ज में कल मतलब मंडे मंडे इनशा हम लोग पढ़ेंगे फ़िर मातुर्याया एक और जमात जिसके बारे में कहते हैं वो फ़िर कौन सा है फ़िर मातुरदियाल्ला तब को अमल की तोफ़ी दे अल्लाह ताली सही मनहज पर हमें क़ायम उदायम रखे आमीन वसलम आलैक्म वरमि